फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गर्मा गर्म क्रिस्पी मीठी खजूर। इसके लिए हमें चाहिए एक 150 ग्राम मैदा, 150 ग्राम पीसी शक्कर, एक छोटी चम्मच इलायची पाउडर, एक चम्मच बादाम, एक चम्मच काजू, एक चुटकी बेकिंग पाउडर, घी तलने के लिए, आप रिफाइंड भी ले सकती हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा बाउल। उस बाउल में ये मैदा ऐड करेंगे, फिर उसमें पिसी शक्कर ऐड करेंगे, फिर इलायची पाउडर ऐड करेंगे। बादाम और काजू ऑप्शनल है, मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं ज़रूर, मेरी मीठी डिशेस में ज़्यादा अक्सर ड्राई फ्रूट्स ज़रूर रहते हैं। और ये चुटकी भर बेकिंग पाउडर भी डाल, 2 स्पून घी भी डालेंगे। घी डालने से आपकी थोड़ी बहुत क्रिस्पी बनेंगी। और इसका अब हम थोड़ा सा टाइट डव बनाएंगे, टाइट वो बनाएंगे, हमें इसका जो सॉफ्ट नहीं चाहिए, थोड़ा सा टाइट चाहिए। टाइट होगा तो हमारी क्रिस्पी बनेंगी। बॉल्स बना लेंगे, जितने डो के थे हमारी ये बॉल्स बन गई हैं। अब इस बॉल्स को ऐसे ऐसे करके प्रेस करेंगे, ऐसे दबाएंगे, ऐसे आकार में, फिर उस पर ये फॉक की मदद से इसको ऐसे डिज़ाइन देंगे, ऐसे करके करेंगे। फॉक की मदद से बहुत अच्छी इसकी डिज़ाइन बन जाती है। जब तक कि हम ये अपने जी खजूरे तैयार कर रहे हैं, हमारा घी भी हो रहा है, हमको इसको एकदम लो फ्लेम पे तलनी है। सारी खजूरे तैयार हो गई हैं सारी, आप उसको और शेप भी कोई दे सकते हैं, ट्रायंगल शेप दे सकते हैं, सर्कल शेप दे सकते हैं, आपको जो आपका फेवरेट हो आप वो दे सकते हैं। अब इसको सबसे आपको एक ऐसा नुस्खा बता रही हूँ मैं, एक बोल में पानी लिए और गर्मा गर्म तेल में डालने से पहले इसको इसमें डिप करेंगे, फिर इसमें डालेंगे। बहुत संभाल के इसमें डालिएगा क्योंकि हमारी आज तेज है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये हमारी खजूरें तेल में चिपके ना, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो रही हैं और चिपक भी नहीं रही हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी टेक्निक है कि इसको हम पानी में डिप करके डालेंगे, फिर इसको नाइफ़ की मदद से इसको आगे पीछे करेंगे। आप स्पून से भी कर सकते हैं, मुझे इससे ज़्यादा ईजी लग रहा है। ये देखिए हमारी एकदम गोल्डन हो गई है। इसको फिर धीमी आँच में पकाएंगे ताकि अंदर तक पक जाए। तेज़ आँच में पका के ऊपर से गोल्डन हो जाएंगी मगर अंदर से थोड़ी कच्ची रह जाएंगी, तो इसलिए फ़ौरन ही फ्लेम को स्लो कर देंगे। ये बाकी की बची हुई भी निकाल लेते हैं, बहुत आराम से निकालना है एक एक करके, क्योंकि हमारी ये अभी बहुत जल रही है, गर्म है। खजूरें तैयार हो गई हैं, एकदम क्रिस्पी बनी हैं, ऐसी एकदम क्रिस्पी हैं, गर्मा गर्म आज के लिए खजूरें तैयार हैं।